Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं CNLU पटना से LLM अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. जी हाँ, आपको ये बात पता होगी कि CLAT PG का जो पेपर होता है उसमें सारे NLUs आपके शामिल होते हैं. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, NLU का मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, अदर अलग अलग स्टेट्स की जो उसमें इन्वॉल्व रहती हैं क्लैट पीजी के पेपर में, वो करवाती हैं. एंड देन मेरिट लिस्ट के हिसाब से, आपकी चॉइसेस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपना यूनिवर्सिटी मिल जाता है. ठीक. लेकिन अगर हम बात करें CNLU की, दैट इज चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना की, तो ये अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाने लग गया है. तो अब आपको इस बारे में भी बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या ये पेपर आपका इस वक्त होता है आसपास अभी के महीने में. तो जी हाँ, ये पेपर आपका आने वाले कुछ महीने में होने वाला है. इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी. साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है, टेस्ट होता कैसा है, उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स का है, इन सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एक रेगुलेशन, मतलब चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था आपका 12th of Feb को. जी हाँ, 12th of Feb 2024 को. देख सकते हो आप डेट यहाँ पे लिखी हुई है. एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे है 2023-24 एडवर्टीजमेंट नंबर है. लेकिन आप ये देख सकते हो कि LLM एडमिशन नोटिफिकेशन है फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 2025. ठीक है. तो सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज की तरफ से यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू LLM मास्टर ऑफ लॉज 1 ईयर कोर्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने टाइम पीरियड का है. अलग भले पेपर अपना करवा रहा है लेकिन फिर भी इनका कोर्स 1 साल का ही है. फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 2025 लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की है वो है ट्यूसडे, दैट इज 30th of April 2024. ठीक है, याद रखना है. अभी चल रहा है आपका मार्च. ठीक है, अभी आपका चल रहा है मार्च और यहाँ पे जो लास्ट डेट मेंशन है वो अप्रैल मंथ की मेंशन है, दैट इज 30th of April. यानी अप्रोक्सीमेटली यू हैव 1 month अभी फॉर्म भरने के लिए मैक्सिमम. ठीक. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी लास्ट डेट का वेट करो. ठीक है, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको ये फॉर्म भरना है, एंड ऑब्वियसली वो कैंडिडेट जो क्लैट पीजी का फॉर्म भरेंगे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि वो आप ये फॉर्म भी भरो. ठीक है, अगर कोई ऐसा NLU है जो अलग से कंडक्ट अपना पेपर भी करवाता है तो ऑफकोर्स आपको वो फॉर्म भरना चाहिए. तो 30th अप्रैल 2024 ये है आपकी लास्ट डेट. इंटरेस्टेड कैंडिडेट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट है www.cnlu.ac.in. डिटेल करिकुलम के लिए आप कर सकते हो, बट अगर आप नहीं कर सकते हो डोंट वरी, मैं हूं आपको, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी LLM के रेगुलेशंस के बारे में. ठीक है, तो देख लीजिए. सबसे पहली बात तो अच्छी यूनिवर्सिटी है. ठीक है, ए ग्रेड इसको मिला है NAC से. जस्ट अ मिनट. हाँ, सेंटर फॉर पोस्ट लीगल स्टडीज आपका ये सेंटर है LLM के लिए. रेगुलेशन एंड सिलेबस यहाँ पे लिखा है एडमिशन के लिए, ये लिखा है 21 एंड 22. ये आपका 2021 और 22 के सेशन का है लेकिन ये विद इफेक्ट फ्रॉम लिखा है. मतलब एकेडमिक सेशन जो 21-22 था उस वक्त से ये इफेक्ट में आ चुका है, मतलब अभी भी यही चल रहा है. ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि 24-25 के लिए अलग से निकालेंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम है कि तब से ये चला आ रहा है. तो LLM आपका टाइप ऑफ डिग्री LLM मास्टर ऑफ लॉज है, टाइप ऑफ कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट है, 1 ईयर का कोर्स है, फुल टाइम होता है, सेमेस्टर सिस्टम चलता है. ठीक, कोर्स डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 1 ईयर कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम, रेगुलर मोड है. एडमिशन एलिजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं. तो कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू LLM कोर्स शुड हैव पास्ड अ UG डिग्री इन लॉ, दैट इज 3 ईयर LLB या 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड LLB ऑनर्स या एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री विद द फॉलोइंग मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड. ठीक है, with 55% marks in aggregate of maximum marks prescribed in the case of candidates belonging to unreserved OBC and special able persons and other categories and 50% in case of SC and ST category. तो हम ये कह सकते हैं कि SC ST category के लिए 50% marks से required minimum and other जितनी भी categories बच रही हैं उनके लिए 55% है.
ठीक है, आपने LLM की कर रख सॉरी LLB कर रखी हो, LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने 3 ईयर LLB किया हो या आपने 5 ईयर LLB करा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री ऑन द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार हम LLB में हैं, इन क्वालिफाइंग में हम लोग फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ये बता रहे हैं कि जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, जिस दिन आप CNLU पटना का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, उस दिन आपने अपने फाइनल एग्जाम को पास कर लिया हो आप, या फिर अपियर हो चुके हो, रिजल्ट अवेटेड होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर रिजल्ट अवेटेड होगा और अगर आपका यहाँ पे हो जाएगा तो फिर वो प्रोविजनल एडमिशन आपको मिल जाता है। फिर एक पर्टिकुलर डेट होती है जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप फाइनल एग्जाम में अपियर तक नहीं हुए हो, आपका पेपर अभी हुआ ही नहीं है, ठीक? तो आपने या तो पास कर लिया हो, आपका रिजल्ट आ चुका हो, या फिर आप अपियर हो चुके हो, रिजल्ट अवेटेड है। हाउएवर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं, उनको अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा ऑन द डेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है? एडमिशन के टाइम पे उनको अपना रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। ये बात तो हो गई कि जिनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अगर कोई ऐसा भी है जिसका रिजल्ट अवेटेड है, कुछ ही टाइम में आने वाला है, मान लीजिए एडमिशन हो रहा है तब तक नहीं आया, तो इन दैट केस आप थोड़ा सा वहां से हेल्प मांग सकते हैं, आप टाइम ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये तो पेमेंट ऑनलाइन वगैरह के लिए हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये लिखा है पिछले साल का है, मतलब ये आपका 21-22 और 23, हाँ 21-22 था ना, हाँ 21-22 के सेशन के हिसाब से। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफरेंस होगा क्योंकि रेगुलेशन वही चला आ रहा है, ठीक है? तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होता है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट पे जाके चेक करोगे आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट को 2,500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा जो OBC जनरल और स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, एंड 2,000 करना पड़ेगा SC ST कैटेगरी वालों को, एंड ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। आप फॉर्म को डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो। कैंडिडेट्स को या तो पोस्ट के थ्रू भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, DD लगा के इन फेवर ऑफ दिस, या फिर वो सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में। आप ऑफिस में जाके इन हैंड दे सकते हो, फॉर्म को सबमिट कर सकते हो पैसे देके, और या फिर आप DD लगा के रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, ठीक? एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फी, अगर ऑनलाइन मोड से दिया गया है तो आपको UTR नंबर और DD नंबर या कैश इन द यूनिवर्सिटी, जो भी है, ये सब मतलब आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलो अब मेन बात पे आते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है भाई? तो पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर का है एडमिशन में LLM प्रोग्राम के लिए, वो दे रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपका पेपर का होगा वो 150 नंबर का होगा, ठीक है? आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपके एग्जाम का 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क के होंगे, 90 मिनट्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं है आपके पास, ठीक है? 10 मिनट कम है, 100 मिनट में 10 मिनट कम आपको मिल रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, 90 मिनट्स, लेकिन सॉरी, ये 2 आवर्स 30 मिनट्स टोटल है। सिर्फ 90 मिनट जो है वो आपके MCQs के लिए है, एंड देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है? MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये, तो MCQ तो 100 आएंगे। अब 100 नंबर का हो गया, अब बचा 50 नंबर। ये जो 100 नंबर MCQ प्लस 50 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें से मतलब जिसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चन, एंड हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, एंड टोटल टाइम जो शॉर्ट आंसर के लिए अलॉटेड होगा वो होगा 60 मिनट्स, ठीक है? तो ये 60 मिनट्स आपको मिलेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है, सिलेबस क्या होगा? क्या MCQ के लिए अलग होगा, सब्जेक्टिव के लिए अलग होगा? नहीं, पहले तो आपने ये समझ लिया, टोटल आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं, 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर में 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए 90 मिनट्स हैं, एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्टिव है 50 नंबर का, 5 क्वेश्चन करने होंगे 60 मिनट में, ठीक है? 5 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि 1 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करना है। तो ये मत सोचना कि 10 नंबर का है तो खूब बड़े बड़े आंसर्स लिख दो, ठीक है? आपको खुद समझना है कि आपके पास कितना कम समय है भाई। 5 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 12 मिनट है, तो 12 मिनट में मुझे लगता है अगर कॉपी आपको जो लिखने के लिए मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा उस कॉपी के आप 2 साइड लिख पाओगे, ठीक है? तो 10 मार्क्स में 2 साइड बहुत होते हैं, अगर A4 साइज है तो
तो भी दो साइड, और अगर लंबी वाली कॉपी आपकी मिलेगी जो आपकी लैंडस्केप में होती है तो वो भी A4 को अगर घुमा दो तो उतनी ही होती है, ठीक है? तो दो साइड, आगे और पीछे का साइड बस आपके लिए बहुत होगा। अच्छा, कौन कौन से एरियाज ऑफ लॉ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन? डेफिनेटली, तो एक हेडेक तो यहाँ पे खत्म हो गया कि हमसे कोई इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है, कोई जनरल नॉलेज नहीं पूछा जा रहा है, ना तो लॉजिकल रीजनिंग पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमसे लॉ पूछ रहे हैं। हमने भाई LLB में लॉ पढ़ा है और हमें लॉ अच्छे से आता है, तो अब लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो भी मेंशन कर दिया, ये भी हेडेक खत्म कर दिया है कि तुम सब कुछ पढ़ के जाओ। ज्यूरिसप्रूडेंस ऑब्वियस है, ये तो आता ही आता है एंड बहुत अच्छे से भी पढ़ना है, मैं बताती भी जाऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो ज्यूरिसप्रूडेंस आएगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत अच्छे से करना है, कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे से करना है, टॉर्ट बहुत अच्छे से करना है, क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छे से करना है। कहोगे मैम सब कुछ तो अच्छे से करना है, नहीं, इंटरनेशनल लॉ, इतने सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत 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 अच्छे से करने हैं, ठीक है? लेकिन एनवायरमेंटल लॉ जो हो गया आपका, एंड ह्यूमन राइट्स हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो गया, ये थोड़ा कम पढ़ लोगे तो भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि अब वही बात है ना कि सिलेबस बैलेंस्ड है, एकदम बैलेंस सिलेबस बनाया है, मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आधे रखे हैं। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, देन 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट्स आपके थोड़े हल्के फुल्के रख दिए। अब एनवायरमेंट क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो एनवायरमेंट से कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है? देन अगर हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की, तो अगेन ह्यूमन राइट्स बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स पढ़ते भी नहीं है। कॉर्पोरेट लॉज, कॉर्पोरेट लॉज में हाँ, तो कंपनी आएगा आपका, इसमें कंपनी लॉज भी होंगे, कमर्शियल लॉज भी आप इंक्लूड कर सकते हो जिसमें पार्टनरशिप आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट तो अलग से पूछ ही रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अब ये क्या है ना, ये बहुत लेंदी है, ह्यूमन राइट्स में भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, एनवायरमेंट में भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, तो इसमें आप कितना भी कम पढ़ने की कोशिश करोगे तो भी आप काफी अच्छा खासा पढ़ ले जाओगे, है ना? ये चीज है। बाकी में तो क्या है कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको पता है हमें क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना ही पढ़ना है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस है सेंट्रल स्टेट के बीच का, एमरजेंसी हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ये सब चीजें जो आपको पढ़नी ही है, इनको तो आप स्किप नहीं कर सकते। आपको मुंह पे मुंह जबानी आपको याद होता है कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। उसी तरह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पता है कि हाँ शुरुआत के हमें अच्छे से आर्टिकल्स कर लेने हैं, फिर लास्ट के हमें देख लेने हैं, लास्ट से ज्यादा पहले वाले, शुरुआत के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टॉर्ट्स में आपको टॉपिक पता चल गया। क्रिमिनल लॉ में अब अगेन वही बात है, ये पेपर अभी इधर हो रहा है आपका, जुलाई में आपके नए क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स होने वाले हैं, तो जब नए क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स होंगे उसके बाद जो एग्जाम्स होंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा कि नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे तभी आपको नए वाले पढ़ने हैं, नहीं तो अभी आप चुपचाप परेशान मत होइए कि मुझे नया पढ़ना है पुराना पढ़ना है, बिना सोचे समझे पढ़ने लग जाओ। अभी आप चुपचाप पुराने वाले क्रिमिनल लॉज पढ़िए, अभी आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम में नए क्रिमिनल लॉज के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुलाई में इन्फोर्स होगा और जून तक आपके जो भी पेपर होने हैं उसमें कोई लेना देना इसका नहीं है। अब ऑब्वियस ही बात है 30th of April तक लास्ट डेट है, तो आपका ये एग्जाम मई में अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा, मई के मंथ में पड़ जाना चाहिए, ठीक है? अब आपको पता चल ही जाएगा डेट, आपको बस आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, ठीक है? 30th अप्रैल भरने के बाद फॉर्म, 30th अप्रैल के बाद आप टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे, आपको डेट पता चल जाएगी। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब इसी सिलेबस से आपका MCQ भी आएगा और इसी सिलेबस से आपका सब्जेक्टिव भी आएगा। अब देखो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सब कुछ, ये सारे सब्जेक्ट MCQ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अब मैं अगर बात करूं कि सब्जेक्टिव के लिए कौन सा है, तो सब्जेक्टिव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, सब्जेक्टिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जेक्टिव के लिए क्रिमिनल लॉ है, सब्जेक्टिव के लिए आपका IPR हो गया और कॉर्पोरेट हो गया, ठीक? ये सब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में। मैंने कहा कि ये मतलब बाकी सब MCQ के लिए तो सारे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए 35% टोटल, मतलब 150 मार्क्स में से 35% जनरल के लिए इम्पोर्टेंट है क्वालिफाई करना, एंड 30% है SC ST EBC BC WBC एंड SAP के लिए, ठीक है? ये हो गया ना। अब ये सब देखो पुरानी रेट्स हैं, ठीक है? ये सब आपके काम की नहीं है। देन रेगुलेशंस एंड सिलेबस क्या है, अब आपका ये अभी का काम का नहीं है, बट एक बार मैं फिर भी आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगता है तो मैं आपको बता देती हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट्स एलएलएम कोर्स के लिए सेलेक्ट होंगे एडमिशन कमिटी के द्वारा, जिसमें वाइस चांसलर एज अ चेयरमैन होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे जिनको वीसी नॉमिनेट करेंगे, परफॉर्मेंस एडमिशन टेस्ट मतलब किस ग्राउंड पे देखा जाएगा, तो परफॉर्मेंस एडमिशन टेस्ट में जो होगी वो, फिर परफॉर्मेंस इंटरव्यू में होगी टू डिटरमाइन द हायर स्टडीज एंड रिसर्च। ठीक है, रिजर्वेशन कैसे होगा, रिजर्वेशन आप देख सकते हो इतना परसेंटेज अलग अलग ग्रुप्स के लिए दे रखा है। टोटल सीट्स कितनी है इनके पास, तो आप इनके पास 60 सीट्स हैं, जिसमें 30 जनरल के लिए हैं एंड 30 सीट्स आपकी रिजर्व हैं। ठीक, या आप पेमेंट्स वगैरह देख सकते हो, ट्यूशन फीस वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले हम लोग एक बार जाके ये जरूर देखते हैं कि भाई फीस वगैरह कितनी है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ के चेक कर सकते हो पूरा। ठीक है, एंड देन उसके बाद बस एक क्विकली देखेंगे, देन आपका ये एलएलएम का कोर्स स्कीम टीचिंग स्कीम दे रखा है, वो सब जब आपका एडमिशन हो जाएगा तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेन इम्पोर्टेंट ये है ऑप्शनल ग्रुप्स, आप एलएलएम कौन कौन से एरिया में कर सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है, एक ग्रुप ए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस सब्जेक्ट में कर सकते हो, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग भर सकते हैं सीएनएलयू का फॉर्म। देन कुछ लोग ग्रुप बी इंटरनेशनल लॉ में अगर करना चाहते हैं एलएलएम तो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ ग्रुप सी ये प्रोवाइडेड है, इसमें कर सकते हो। आईपीआर में भी आप कर सकते हैं ग्रुप डी एंड ग्रुप ई क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो पांच तरह के स्पेशलाइजेशन, नहीं और भी हैं, छह ह्यूमन राइट्स। अब देखिए ह्यूमन राइट्स आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ आपसे पूछ रहे हैं, आईपीआर पूछ रहे हैं, कॉर्पोरेट कमर्शियल पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ रहे हैं, तो जो जो पूछ रहे हैं उसमें तो है। अब कहोगे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं करा रहे हैं क्या, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम छह चार दस सब्जेक्ट पूछ रहे थे, जिसमें से छह सब्जेक्ट में तो एलएलएम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप अगर किसी इन छह फील्ड में से किसी भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सीएनएलयू का फॉर्म जरूर भरिएगा, फिर उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आज की डेट में कॉम्पिटिशन कितना टफ है, हर जगह भीड़ है, एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग अगर हमें मिल जाए तो फिर हमें क्या चाहिए, है ना। तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, बाकी तो अगर आपका कई जगह हो जाता है तो फिर आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, फिर तो आप देख सकते हो ना मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो आप चूज कैसे करोगे। ठीक है, अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कैसे होता है ये सब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मतलब भर का डिस्कस कर लिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आखिर प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास कितना टाइम है, पूरा अप्रैल है। ठीक है, एंड देन मैं कहती हूँ मई में 15 डेज ले लेते हैं। ठीक है, अब एकदम से तो नहीं बताएंगे ना, कल एग्जाम है, तो आपके पास लगभग डेढ़ महीना है, एक महीना अप्रैल का है और मई का आपका 15 दिन है। क्या करना है, सबसे पहले तो हमने भाई नोट कर लिए सब्जेक्ट्स। ठीक है, जब हमने सब्जेक्ट्स नोट करे तो हमें ये पता चला कि छह हमारे पास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं, है ना, एंड चार जो हैं वो ठीक ठाक हैं, बट हम लेस लिख देंगे, मैं तो लेस लिख दूंगी। ठीक है, ठीक है, आपके लिए हो सकता है ना हो, लेकिन मैं कहूंगी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक, लेस इम्पोर्टेंट है। अब करना क्या है, अब बात दिमाग में ये भी चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है और सब्जेक्टिव भी आ रहा है, तो तैयारी कैसे करी जाए। तो तैयारी ऐसे करनी है कि सबसे पहले तो जब आपके पास डेढ़ महीना है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 45 डेज, ठीक है, एंड आपके पास है 10 सब्जेक्ट, तो 10 सब्जेक्ट को अगर आप 45 डेज में डिवाइड करते हो तो आपके पास बचते हैं 4.5 दिन, ठीक है, पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को आप 4.5 दिन दे सकते हो, माय गॉड बहुत दे सकते हो, बहुत अच्छा खासा है फिर भी। ठीक है, अगर पूरे पूरे टाइम आप एक सब्जेक्ट पे पढ़ोगे तो 4.5 दिन बहुत होते हैं। ठीक, बाकी वही है, जो लेस इंपॉर्टेंट वाले उनको थोड़ा सा कम कर दो, मतलब उनको 4.5 ना देके अगर आप उनको 4 दे दोगे तो वो आधा दिन भी आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4.5 वगैरह मत करो, इधर इंपॉर्टेंट वाले जो है उनको 5-5 कर दो, 5 दिन, 6×5 कितना हो गया, 30 डेज हो गया, 30 डेज हो गया, बचे हुए जो आपके 15 दिन है, है ना, मई में पढ़ लेना, मई में कितना भी जब टाइम बचेगा तो उस टाइम पे ये लेस इंपॉर्टेंट वाले कर लेना। अब आपके पास जब 30 डेज है तो आपको अब करना क्या है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आपको अप्रोच क्या रखनी है इसको पढ़ने के लिए।
अप्रोच ये रहेगी, जब आपने एक सब्जेक्ट उठाया तो उस सब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले तो यू जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब कहोगे ये टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो, LLB पूरा करके आ गए हो, इतना तो आइडिया लग ही गया होगा ना। नहीं लगा कोई बात नहीं, क्लैट के पेपर उठा लो, ठीक है, क्लैट PG के पेपर उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, एंड वहां से देख लो कि इस पर्टिकुलर मैंने कहा फॉर एग्जांपल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, लेट मी चेंज द पेज। मैं कह रही हूँ आपने सबसे पहले उठाया, अच्छा जूरिस रहने दो, कॉन्स्टिट्यूशन सबको समझ आता है राइट, तो आपने सबसे पहले उठाया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब हमने उठाया तो उसके बाद हमने देखा कि जब क्लैट PG का पेपर मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, लगभग 10 साल का, मिनिमम 10 इयर्स लेके बैठना, तो मैंने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने देखा कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस में जो आपके डॉक्ट्रीन्स आते हैं, है ना, डॉक्ट्रीन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डॉक्ट्रीन ऑफ रिपग्नेंसी पूछ रहा है, डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन पूछ रहा है, इन सब पे, ठीक, तो वो इंपॉर्टेंट हो गए। फिर मैंने देखा कि जब इधर आर्टिकल 13 हम करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, उसकी भी डॉक्ट्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स हो गया, ठीक, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर है, ये सब भी पूछा जाता है। फिर फंडामेंटल राइट्स में भी स्पेशली अगर हम देखें तो आर्टिकल 12 बहुत पूछते हैं, 13 मैंने बता ही दिया, 14 पूछा जाता है, 15 पूछते हैं, 16 पूछते हैं, 17, 18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 पूछते हैं, 20 भी नहीं है इतना, 21 पूछते हैं, 22 भी इतना नहीं है, 25 से लेकर 28 तक, एंड देन उसके बाद 29 एंड 30 ये ज़्यादा पूछते हैं, ठीक। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट वगैरह वाले पूछ रहे हैं, ठीक, अच्छा PM और CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला पैराग्राफ उठा के दे दिया, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक, क्योंकि इलेक्शन वगैरह वाली चीज़ें भी इसमें आ जाती है ना, कि उससे रिलेटेड जो केसेस हुए हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए आपका टॉपिक, वो आपको देखने को मिलेगा। देन आपको इमरजेंसी बहुत दिखेगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, देन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ऑल टाइम माई फेवरेट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दिखेगा। तो अभी जैसे मैंने कुछ टाइम पहले आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, उनमें से वही टॉपिक्स है। तो अब जैसे आपने ये देखा कि क्लैट PG में इतना ये सब पूछा गया है, आपने टॉपिक्स नोट कर लिया, अब आपको 1.5 महीने में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि 10 सब्जेक्ट का पूरा पूरा वो पढ़ ले, तो उसको क्या करना है, उस पर्सन को यही इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अब जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने कहा अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उठाइए अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट को पहले आप एक अच्छी सी टेक्स्ट बुक से पढ़िए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छी बहुत होती है, लेकिन एक बेसिक किताब जो हमेशा लेके चलते हैं जैन पांडे, ठीक है, एक बेसिक किताब है, MP जैन पढ़ सकते हो, ठीक है, VN शुक्ला पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जो सूट करे, आपके पास जो बुक हो, ठीक, जैन पांडे लगभग सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के पास होती है, इस वजह से मैंने इसका नाम लिया। तो जैन पांडे आपने मान लीजिए वहां से पूरा अमेंडमेंट का टॉपिक पढ़ लिया, अब आप निकालिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास, कोई भी ऐसी बुक हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हो, हाँ, तो वहां से आप उस अमेंडमेंट के टॉपिक के जितने क्वेश्चन लगा सकते हो आप लगा लीजिए। आपने लगा लिया, अब आप क्या करोगे, एक जब आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, तब आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेना है, या कॉपी लेनी है, पेन लेना है, और अमेंडमेंट हेडिंग डालनी है, और अब आपको जितना भी इम्पोर्टेंट इस टॉपिक पे याद है वो आपको एक आंसर फॉर्म में लिख लेना है। आंसर फॉर्म में कितना लिखना है, 2 पेजेस, 2 पेजेस यानी एक पेज का 2 साइड, बस ये आपका तैयार हो गया एक टॉपिक इस पेपर के लिए, ठीक। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स को लेके करना है। बता दिया मैंने आपको, आपने क्या किया, अमेंडमेंट जब पढ़ा तो आपने MCQ के लिए भी उसको क्लियर कर दिया, और आपने उसको अपने सब्जेक्टिव के लिए भी कर दिया। अब जब आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आपको ये नहीं है कि अमेंडमेंट पे मुझे कुछ नहीं आता, या मान लो आपने ऊपर ऊपर से अमेंडमेंट पढ़ लिया तो MCQ में अगर आ गया तब तो सॉल्व कर लिया, अब मान लीजिए अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो आप क्या करोगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अमेंडमेंट पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दे रखा है, अमेंडमेंट कितने तरह का होता है, अमेंडमेंट में कहाँ से केस शुरू हुआ था, पहला केस आपका कौन सा था, शंकरी प्रसाद है आपका, सज्जन सिंह है, गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल्स का केस है, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस भी है,
आपको ये पूरी सीरीज पता होनी चाहिए कि आपसे अगर सब्जेक्टिव में आ भी गया तो आपने अगर सिर्फ ये केस लॉज में दो दो लाइन भी लिख दी ना तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज याद करना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, तो मेक श्योर कि इसी तरीके से आप करो। लेजिस्लेटिव रिलेशंस जब आप कर रहे हो, डॉक्ट्रिन पढ़ रहे हो, तो डॉक्ट्रिन आपने जब अच्छे से पढ़ ली तो आप उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए एंड फिर आप आंसर एक लिख के तैयार कर लीजिए। मेक श्योर कि आपके आंसर्स में केस लॉ जरूर हो। एक केस लॉ हो चलेगा, क्योंकि मैंने कहा दो साइड लिखना है, दो साइड से ज्यादा रहेगा नहीं 10 मार्क्स में। तो एक केस लॉ भले हो लेकिन होना जरूरी है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप LLB करके आए हो। आप LLB करने नहीं जा रहे हो जिसमें दे वॉन्ट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको केस लॉज नहीं पता होंगे। आप LLB करके आए हो तो डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको लैंडमार्क जजमेंट्स पता हो। अब केस का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो, आपको इम्पोर्टेंट लिखना है, आपको लैंडमार्क जजमेंट्स लिखने हैं। जैसे अब हम अमेंडमेंट लिख रहे हैं और केशवानंद भारती नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अगला सोचेगा इनको क्या ही पता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर आ गया, केशवानंद नहीं लिखा तो फिर क्या लिखा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन से टॉपिक पे हम क्या लिखने वाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका एक एक सब्जेक्ट का पूरा चलेगा। जब मेजर आपका एक बार को हो जाएगा 30 दिन में, तो उसके बाद फिर आप 15 दिन में अपना माइनर कर सकते हो। अब माइनर में भी आप क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे एनवायरमेंट है, ठीक है, तो अब एनवायरमेंट में अगर आपके पास 6 से 7 एक्ट्स हैं तो आप कोशिश करो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उनके आप ज्यादातर प्रोविजंस कर लीजिए, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनके कुछ ही प्रोविजंस देखो, सब कुछ मत पढ़ो, फिर सब पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। IPR है, अब IPR में भी क्या होता है भाई, मेन आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब है। अब उसके अलावा भी और भी एक्ट्स होते हैं, और भी कई सारी कन्वेंशंस पढ़नी होती है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है खाली उतना आप करो, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको MCQ बेस से देख लो। ठीक है, जिसपे आपको लगता है पूरा आंसर फ्रेम हो सकता है वही आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, बाकी आप MCQ बेस से करके, MCQ के हिसाब से करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्ट्रेटेजी। तो अब इसमें क्या रहेगी आपकी तैयारी, जब आपने पूरा कर लिया है प्रॉपरली, जब आपने एक अच्छे से मतलब अपने सब्जेक्ट्स को तैयार कर लिया, तो आपको साथ ही साथ में सब करते चलना है। जैसा कि मैंने कहा, आपने टॉपिक पढ़ा, आपने क्वेश्चन MCQ वाले लगा लिए, आपने सब्जेक्टिव लिख के देख लिया, फिर आप उसके बाद उसको चेक करोगे खुद से कि आपने पढ़ा कितना था, क्या आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप कर दिया। अगर आपने स्किप कर दिया तो देन एंड देयर वहीं पे एक छोटा सा पेज लगा के अटैच कर दीजिए कि ये पॉइंट मुझसे स्किप हो गया, लेकिन फिर वही रखो वहां पे, वो रखो तो तुम्हें हमेशा अपनी राइटिंग में याद रहेगा कि मैंने क्या गलती करी थी, उसी से रिवाइज करो। ठीक, और जो छूट गया उसको वहां पे अटैच कर दो। ये आपका क्या होगा कि साथ साथ आपने पढ़ा, साथ साथ आपने क्वेश्चन लगाए, एनालाइजेशन आपका साथ साथ चल रहा है। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि आप पहले पढ़ोगे फिर आप बाद में टाइम मिलेगा तब क्वेश्चंस को लगाओगे, वो फेज आपका निकल चुका है। तो इसलिए आपको साथ साथ ही सब करते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जब एक पेपर आपका कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5 दिन आपने जूरिस पढ़ लिया, ठीक है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे 6ठे दिन से, तो मेक श्योर कि उस पूरे 1 दिन में 1 घंटा जरूर निकालो जूरिस को रिवाइज करने के लिए, जूरिस रिवीजन। ठीक है ना, जब सोने जाओ, पूरा दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब रात में जब सोने जाना तो 1 घंटे पहले जूरिस प्रूडेंस, क्योंकि 5 दिन तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी करोगे, तो उस 1 दिन में पहले दिन में आपने जितना जूरिस प्रूडेंस पढ़ा था, ध्यान से समझना, उस पहले दिन में आपने जो जूरिस प्रूडेंस पढ़ा था उतना पूरा जूरिस प्रूडेंस आप 6th डे रिवाइज करोगे। ठीक है, दूसरे दिन जो पढ़ा था उसको 7th डे रिवाइज करोगे, वो भी कितने घंटे में, 1 आवर में। ये आपकी कला होनी चाहिए कि आपने पढ़ के ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लिए हो, या आपके पास मटेरियल इतना कंसाइज हो गया हो कि आप उतना 1 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरे दिन करोगे ऐसा। ठीक है, 7th मतलब दूसरे दिन जो किया था वो 7th डे करोगे, तो अब आपका जूरिस रिवाइज भी हो गया। फिर आप जब नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा करोगे। फिर जब आप माइनर लॉ शुरू करोगे तो अब आप क्या करोगे, 15 दिन में, लास्ट 15 दिन में माइनर भी पढ़ोगे और 2 से 3 घंटे निकालोगे मेजर को रिवाइज करने के लिए, जिसमें आप एक एक दिन में या दो दो दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करोगे पूरा। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन सबसे ज्यादा टाइम लेता है, सेकेंड रिवीजन उससे कम टाइम लेता है, थर्ड और कम टाइम, ऐसे जितना करते जाओगे मल्टीपल कम समय होता चला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे मल्टीपल रिवीजन की बात नहीं कह रही हूँ, बट एटलीस्ट 2 रिवीजन तो आपको करके जाना ही जाना है।
ठीक है, तो ये हो गया मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन, ये एक सजेशन था मेरी तरफ से कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि CNLU पटना के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे, वीडियो बनाने के लिए वो कह रहे थे कि इस पे मैम वीडियो बनाया जाए, क्या वो पेपर अलग से कंडक्ट कराने लगा है, थोड़ा इस चीज को भी लेके कंफ्यूजन था। तो मेक श्योर कि आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर दो गाइज, एंड आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन अब शुरू कर दो। 30 अप्रैल है, लेकिन अगर आपको फॉर्म भरना ही भरना है तो आज का आज फॉर्म भर के काम खत्म करिए अपना, एंड आगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, आपके बहुत सारे पेपर लगे होंगे तो डेफिनेटली आपकी वो भी तैयारी चल रही होगी, और भी LLM के जो वीडियोज होंगे उस LLM के नोटिफिकेशन अलग अलग जगह की जो आएगी वो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी LLM से रिलेटेड, तो निश्चिंत रहिए आप। क्लैट पीजी का पेपर आपका दिसंबर में है, ये बात आपको पता है, और रही बात CUET पीजी, उसका पेपर अभी हुआ है, एंड उसके बाद अब जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये बातें आप ध्यान रखिएगा। सो गाइज, 20% ऑफ चल रहा है होली फेस्टिव सीजन पे, अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो क्लैट पीजी के लिए तो इन दैट केस आप एनरोल कर सकते हो, आपको 20% ऑफ मिलेगा, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा, ड्यूरेशन यहाँ पे अवेलेबल है विद द डिस्काउंटेड प्राइस, आप ले सकते हैं बैच को। अगर बैच को लेने में इंटरेस्टेड है तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSingh10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, ये ऑफर वैलिड है आपका 28th of March तक, फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारा बैच नया स्टार्ट हो रहा है क्लैट पीजी LLM 2025 के लिए लॉ एलिवेट, ये स्टार्ट हो रहा है 31st of March से, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा यहाँ पे, 250+ लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी, 15+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, यस वेरी इंपॉर्टेंट, 15+ 15 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने को यहाँ पे मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अगर आप इस बैच को परचेज करने वाले हो, एंड फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस प्रोवाइड हम करते हैं, एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। अगर आपने अच्छा ओके फाइन अगर आपने मेरी कभी भी अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस QR कोड को स्कैन करिए एंड जाके जरूर चेक करिएगा। कॉन्स्टीशिप की सीरीज मैं चलाती हूँ जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिस्कस करती हूँ, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाती हूँ, हम जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के हमने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी डिस्कस कर रहे हैं क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से। तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो उसको बूस्ट कर सकते हो इन क्लासेस को देख के, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट के लिए आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करना है। 7 बजे शाम को होती है थर्सडे एंड फ्राइडे को, मैं लेती हूँ ये सेशन आपका अनअकैडमी पे, तो मेक श्योर कि आप इसको एक बार चेक जरूर करें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी रिगार्डिंग लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस। तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस के साथ आगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।